मैं प्रार्थना कर रहा हूं तुमसे, तृप्ति के जन्म के वक्त जो अन्याय हुआ था शीतल के साथ, अब उसका न्याय तृप्ति से ही होने दो। शीतल दोबारा मां नहीं बन सकती, कम से कम उसे तृप्ति की मां तो बनी रहने दो। ये तुम क्या कह रहे हो कुमार? शीतल दी मां नहीं बन सकती? हाँ तर, इसलिए तो वो चाहती है कि अभय उसे तृप्ति दे दे। और शीतल दी ये जानती है? सिर्फ शीतल ही नहीं, अभय गायत्री दोनों जानते हैं। और अब जो भी फैसला होगा वो फैसला ये दोनों ही करेंगे। मेरा फैसला वही है कुमार जो मैंने पहले दिया था, तृप्ति की मां शीतल नहीं बल्कि सुनिधि है। अभय, गायत्री, गायत्री तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ कहो ना अभय से, वो तुम्हारी बात मानेगा, उसे कहो ना, इतना कठोर ना पड़े। अभय ने कुछ कहने की जगह ही कहां छोड़ी है कुमार? तृप्ति तो मेरी बेटी नहीं, सुनिधि की बेटी है। वाह गायत्री, आज वाकई तुमने मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचाया। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा मतलब वो नहीं था। तो मैं क्या समझूं, तृप्ति पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना कि तुम्हारा? तुम्हारा उतना अधिकार है जितना एक एक माँ का होना चाहिए। तब तो सबसे ज्यादा अधिकार शीतल का हुआ। गायत्री, ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है अभय? क्योंकि मैं अपनी बेटी से अलग नहीं रह सकता। तो तुम अपनी बेटी को उसकी माँ से अलग रख सकते हो? हाँ, रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। और अगर तुम्हें भी मुझसे अलग रहना है तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अभय, इनफैक्ट मैं इसी वक्त अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा। तुम्हें चलना तो साथ चलो, वरना अभय, अभय रुक जाओ। अभय कुमार, अभय नहीं रुकेगा और मैं भी उसके साथ जाऊंगी। भैया इतने पत्थर दिल हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो आज पहली बार शीतल पर तरस आ रहा है। शीतल पर नहीं, एक माँ पर तरस आ रहा है तुम्हें। पता नहीं अब शीतल क्या करेगी। क्या करेगी? गायत्री की कोई गलती ना होने के बावजूद वो गायत्री को अपना दुश्मन मान बैठेगी। लेकिन गायत्री तो मानती है कि तृप्ति शीतल की बेटी है। शीतल के लिए तो वो वही हुई ना जो भैया के साथ उसकी बेटी को लेकर चली गई। लेकिन गायत्री अपने पति के साथ गई है। गायत्री का पति शीतल की बेटी को अपने साथ लेकर गया है। भैया तो मानते हैं कि गायत्री उनकी बेटी की माँ है। क्या क्या नहीं सहना पड़ता है। जो औरत गलती करती है ना, उसे ये सब कुछ सहना ही पड़ता है। तुम ये कह रही हो कि जो अभय ने किया वो सही किया? तृप्ति के लिए यही सही है, वरना जब वो बड़ी होती और उसे ये पता चलता कि उसकी माँ तो उसे छोड़ चुकी थी, किसी और से शादी कर ली थी उसने, तब उसे ख्याल नहीं आया था अपनी बेटी का। लेकिन जब उसे ये पता चला कि वो दोबारा माँ नहीं बन सकती, तब वो आके लेके गई अपनी उस बेटी को जिसे उसने जन्म तो दे दिया था लेकिन जिसकी माँ वो कभी नहीं बनी थी। और तब पता है क्या होगा, तृप्ति अपनी माँ को छोड़ देगी, नहीं रखना चाहेगी वो कोई भी रिश्ता एक ऐसी औरत से जो उसकी माँ बनने के लायक ही नहीं है। तृप्ति ये सब तब जान जाएगी जब तू उसे सब कुछ बताएगी, बदला लेगी अपनी माँ का, और वो भी शीतल से। हाँ, शीतल उठो, शीतल उठो, ठीक हो तुम? कुमार, तृप्ति जाग जाएगी।
आराम से सो रही है। शीतल अपनी माँ के पास। देखो तुम तो देखते ही नहीं, क्या तुम्हें मेरी बेटी से प्यार नहीं है? क्या तुम नहीं चाहते मेरी बेटी को? ऐसी बात नहीं है शीतल। और ये तुम क्या कह जा रही हो कि तृप्ति सिर्फ तुम्हारी बेटी है? क्या वो मेरी बेटी नहीं है? मैं भी तो उसका पिता ना। तो फिर तुम जाकर उसे कहो कि वो हमारी बेटी को हमसे ना छीने। वो आदमी है ना, वो भाई, वो बहुत बुरा आदमी है। वो कहता है कि मैं तृप्ति की मां नहीं हूं। वो तृप्ति को मेरे पास रहने नहीं देगा। पागल है ना वो? मैं ही तो हूं तृप्ति की मां। और भला एक मां को कैसे कोई अलग कर सकता है अपने बच्चे से? हाँ, और अब तो तृप्ति के पापा भी हैं उसके पास। जाग ये जान जगे कि अब इसके मम्मी और पापा दोनों हैं इसके पास। अरे शायद इसे भूख लगी है, तो दूध चाहिए। अभी मंगाते हैं दूध। आप तृप्ति के पापा लाएंगे दूध तृप्ति के लिए? चलो कुमार, जाके इसके लिए दूध ले आओ। प्लीज कुमार जाओ ना, मैं खुद चले जाती लाने, लेकिन देखो ये मुझे छोड़ती ही नहीं। प्लीज कुमार, तृप्ति को भूख लगी है। कुमार प्लीज। ठीक है शीतल, मैं जाकर उसे कुमार क्या हुआ? तुम रो रहे हो? रोने तो क्या करूं, मुझसे शीतल की हालत देखी नहीं जाती। क्या क्या हुआ शीतल? देखो तुम खुद जाके देख लो क्या है उसकी हालत। मैं समझ सकता हूं। तुम कुछ नहीं समझ सकते, कुछ नहीं समझ सकते उधर। तुम्हारी बेटी तो तुम्हारे पास है ना, कोई तुम्हारी बेटी तुमसे छीन ले, पागल तुम भी हो जाओगे। पागल? हाँ पागल, पागल हो गई। कामयाब हो गई गायत्री उसे पागल बनाने में। गायत्री? पहले तो मैं भी सोचता रहा कि सारा दोष शीतल का है। वो बार बार कहती रही कि वो सुनीति नहीं है, मगर किसी ने उसकी नहीं मानी। गायत्री के कहने पर सबने उसे पागल करार कर दिया और उसकी उसके जज्बात की कोई परवाह नहीं। और उसका नतीजा देख रहे हैं हम सब। गायत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तरुण, गायत्री ने ऐसा क्या कर दिया? चली गई वो तृप्ति को शीतल से छीन कर। लेकिन तृप्ति को तो अभय ले गया। लेकिन अगर गायत्री चाहती तो अभय को रोक सकती थी। लेकिन वो तो उसके साथ चली गई, पति है वो उसका। लेकिन शीतल माँ है तृप्ति की। लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, दूध में पताशा तृप्ति करे तमाशा। मेरी तृप्ति है ना, बदमाश हंसती है। Thank you.
काजल बेटा देखा, ये होती है माँ बेटा। आप क्या जानो माँ क्या होती है? हाँ, और ये मेरी आंखों में आंसू शीतल दी के लिए नहीं है, ये तो उस बच्चे के लिए जिसकी माँ से कितना प्यार करती है। कितनी खुश नसीब है द्रुपति जो उसकी माँ से प्यार करने के लिए कितना तरस रही है, और एक मैं बदनसीब जो जिंदगी भर अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती रही, और मेरी माँ तो मुझे छोड़कर भाग गई। बस कर बेटा, बस कर। जरा उस बदनसीब माँ के बारे में तो सोच, उसकी मजबूरी भी तो सोच, जिसे उसकी बेटी इतनी नफरत करती है। मुझसे हमेशा आपको नफरत ही मिलेगी, कभी प्यार की कोई उम्मीद मत रखना मुझसे, समझी आप? तो फिर बेटा गायत्री को भी कभी किसी से प्यार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, है ना? उसी की वजह से तो आज एक माँ अपनी बेटी से अलग हुई है। तृप्ति सो गई? अब मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर तुम शीतल और तृप्ति के बारे में कुछ कहना चाहती हो तो मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुननी होगी अब। आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, तुमने जो कुछ भी कहा है मैंने किया है, लेकिन ये मैं नहीं कर सकती। एक माँ को उसकी बच्ची से अलग नहीं रख सकती मैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ अचानक शीतल के लिए ये हमदर्दी क्यों? ये सवाल तुम मुझसे तब कर सकते थे अभय, जब मैं सुनीति होती। लेकिन मैं सुनीति नहीं हूँ, मैं गायत्री हूँ, और गायत्री की शीतल से कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो अब शीतल की होगी गायत्री से। पहले तो गायत्री ने शीतल को पागल बना दिया, और दूसरा उसके बच्चे के पिता ने मुझे उसके बच्चे की माँ बना दिया। और उसी पिता के पत्नी होने के नाते तुम्हें तृप्ति की देखभाल करनी होगी, और अगर तुम देखभाल करना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं गायत्री, तृप्ति की देखभाल मैं अकेले ही कर लूंगा, लेकिन शीतल को मैं तृप्ति कभी नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। एक तरफ अभय के दिल में है शीतल के लिए नफरत, और दूसरी तरफ सुनीति के लिए प्यार, और बीच में फंसी है नन्ही सी तृप्ति। लेकिन मुझे वही करना चाहिए जो तृप्ति के लिए ठीक हो। किसे फोन कर रही है? मम्मा, मस्ट यू नो एवरीथिंग? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मैं कहीं अपने बॉयफ्रेंड को तो फोन नहीं करूं, है ना? तो क्या तेरा बॉयफ्रेंड है? है तो नहीं, पर ढूंढ रही हूं। अब कर? हाँ कर। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि तू हमेशा अपने सेल से फोन करती, फिर आज लैंडलाइन क्यों? आपने रिचार्ज करने के लिए पैसे जो नहीं दिए। अब अगर तू हर 10 दिन के बाद पैसे मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी? जरा कम यूज किया कर अपना सेल। ठीक है, तो अगले महीने मैं खुद ही रिचार्ज करूंगी। क्यों, अगले महीने तेरी लॉटरी लगने वाली है? सैलरी जो मिलने वाली है मुझे दर्पण में जॉब करके। तो क्या तुझे नौकरी मिल गई? वो ही पूछने के लिए तो फोन कर रही हूँ मैं गायत्री को। हेलो तरुण, गायत्री है? नहीं तारा, गायत्री तो नहीं है। ऑफिस चली गई? पता नहीं। तो फिर कहाँ गई है? तुम्हें उससे कुछ काम था? एक्चुअली हाँ, मुझे पूछना था कि मैं अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने कब आ सकती हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर? हाँ, मैंने दर्पण में जॉब के लिए अप्लाई किया है ना, इसलिए। अच्छा, मुझे पता नहीं था। गायत्री ने बताया नहीं तुम्हें?
मैं बात करूंगा उससे। तो क्या मैं तब तक वेट करती रहूंगी? अब वेट तो करना पड़ेगा जब तक गायत्री डिसीजन नहीं ले लेती। ओके बाय। ये गायत्री डिसाइड करने के लिए इतना टाइम क्यों लगा रही है? क्योंकि वो जो भी डिसाइड करती है बहुत सोच समझ के डिसाइड करती है। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है, जॉब तो वो मुझे ही देगी ना। मैं उसकी भांजी जो हूँ और वो मेरी मासी जो है। नाराज हो मुझसे? मुझे मनाने आए हो? तुम्हें मनाने के लिए मुझे तुम्हारी बात माननी होगी। तृप्ति को शीतल को सौंपना होगा। हाँ। और मैं मर जाऊं? नहीं अम्मा। गायत्री मुझसे जो मांगना है मांग लो, लेकिन लेकिन मुझसे मेरी जान मत मांगो। तृप्ति मेरी जान है गायत्री, उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा। नहीं अम्मा, आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगी कि तृप्ति को अपने आप से अलग करो। लेकिन शीतल की कोख का कर्ज हमेशा मुझ पर रहेगा, तृप्ति की माँ पर रहेगा। नहीं गायत्री, तृप्ति शीतल की कोख का कर्ज नहीं है, वो तो सुनीति का आशीर्वाद है। और मुझे पूरा यकीन है गायत्री, पूरा यकीन। जिस तरह तुमने सुनीति का हर फर्ज निभाया ना, बिल्कुल उसी तरह तुम सुनीति की बेटी की माँ बनने का फर्ज भी निभाओगी। सुनीति का एक और फर्ज भी निभाना है मुझे अब। मुझे सब कुछ तरुण के हवाले करना है। हाँ वो तो मैं भूल ही गया, आज दर्पण में वकील साहब आने वाले हैं। हाँ। ट्रांसफर पेपर साइन करवाने, तुम्हें जल्दी से वहां जाना चाहिए। कहीं कहीं तरुण को ऐसा ना लगे कि तुम दर्पण उसके नाम नहीं करना चाहती। तृप्ति की चिंता मत करो, मैं हूं ना। और फिर कृष्णा भी तो आ गया है, और तुम्हीं ने तो कहा है कि कल से तुम घर पर रहोगी हमारे साथ, तृप्ति के साथ। अब जाओ। तेरा मतलब है कि मुझे दर्पण में जॉब मिलने का कोई चांस नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। अरे यार, तेरी कोई काकी मामी या फूफी थोड़ी ना है वहां पर। तू बैठी रहना अपनी हार्ड एंड डिग्रीज और सर्टिफिकेट को लेकर। अगर सचमुच में ऐसा हुआ ना, तो मैं अपने सारे सर्टिफिकेट और सारे डिग्री फाड़ के फेंक दूंगी। और मेरे चुने हुए रास्ते पे चलेगी? बेईमानी के? कामयाबी के रास्ते? आई डोंट थिंक सो। ऐसे रास्ते से तो मैं कभी कामयाब नहीं हो सकती। अरे यार, ऐसे हिम्मत मत हार। चल ठीक है, मैं तुझे दर्पण में नौकरी दिला दूंगी। गायत्री जिंदाबाद। तारा, लेकिन तूने तो लिपस्टिक में भी अप्लाई कर रखा है ना? हाँ यार, ये तो मैं भूल ही गई। और अगर लिपस्टिक से तुझे कॉल आ गया तो तू क्या करेगी? तो मैं रिजेक्ट कर दूंगी, या फिर उन्हें कहूंगी कि वो मेरी जगह तुझे अपॉइंट कर ले। फिर तो हम दोनों फ्रेंड्स राइवल बन जाएंगे। तू जानती है ना, दर्पण और लिपस्टिक कितने राइवल हैं एक दूसरे के। हाँ यार, कितना मजा आएगा है ना।